हेलो दोस्तों, आज हम बीपीएससी 2.0 एसएसटी सामाजिक विषय के लिए सामाजिक विषय या अध्ययन कह सकते हैं। वैसे इसके डेप्थ में जाएंगे तो अध्ययन ही कहेंगे, स्टडी के लिए अध्ययन कहेंगे। कोटी कौन से नंबर की है? कोटी है 6 से 8 तक के। उनके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या है, कैसा एग्जाम में सिलेबस आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। मैंने बताया था कि एक कॉमन होता है कि नॉर्मल, एक लैंग्वेज का पेपर होता है जो कॉमन है, ये कंपलसरी है प्लस क्वालिफाइंग है। कंपलसरी है, इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, क्वालिफाई करना, क्योंकि इसको क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो दूसरा मेन वाला पेपर चेक ही नहीं होगा। तो अब देखिए, इसमें अंक कितने मार्क का पेपर होगा? 100 मार्क का। समय कितना है? 2 घंटे है। इसमें क्या क्या आएगा? एक तो 25 नंबर की, जैसे 100 अंक में से 25 अंक का इंग्लिश आएगी। ये कंपलसरी लैंग्वेज है, कंपलसरी लैंग्वेज है, मतलब अनिवार्य लैंग्वेज है, कंपलसरी लैंग्वेज है, अनिवार्य लैंग्वेज है, ठीक है भाई। अब फिर उसके बाद है दूसरे में, हम बाकी 75 नंबर जो बचे हैं, 75 नंबर में से मैं हिंदी ले सकता हूँ, बांग्ला ले सकता हूँ, उर्दू ले सकता हूँ, ठीक है। और इनमें से 100 में से 30 नंबर लाना कंपलसरी है। 30 से कम आते हैं तो हम क्वालिफाई नहीं होंगे और मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं दिखेगा। तो ये तीनों चीज होना बहुत अनिवार्य है। फिर उसके बाद मेन पेपर, ये तो इसकी कोई मार्क्स नहीं लगने वाले, मेन पेपर है। तो मेन पेपर बताने से पहले भाई मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाई मेहनत लगती है, ये सब टाइप हुआ है, सारी चीज इंफॉर्मेशन गैदर करिए। और आपको एक स्पून में, जैसे एक चम्मच में छोटे बच्चों को खिलाते हैं, उस हिसाब से वीडियोस आपको दी जाती हैं। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए देखिए भाई, जो पेपर 2 है, पेपर 2 मतलब ये मेन वाला है, इसके मार्क्स लगते हैं। ये कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। और कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? 120 क्वेश्चन, मतलब 120 मिनट। समय कितना है? 120 मिनट। और अंक कितने हैं? मार्क कितने हैं? 120, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, इसमें कंपलसरी नहीं है, ये मतलब कंपलसरी तो सारे ही हैं। दैट मींस आपको मैं बता देता हूँ कि कंपलसरी तो सारे ही हैं, बट इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। अब सामान्य अध्ययन क्या है? जनरल स्टडी। जीएस क्या है? इसमें जीएस का पोर्शन क्या है? एक तो 40 मार्क का है, 120 में से 40 मार्क, 40 मार्क इधर आ गए, और 80 मार्क दूसरे साइड में आएंगे। 40 मार्क में क्या क्या है? हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, साइंस के तीनों सेगमेंट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और फिर उसके बाद मैथ्स है, ठीक ठाक लेवल तक का। 10th तक के लेवल का सारी चीज करना है, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सोशल साइंस सामाजिक विषय के क्या क्या है? 80 मार्क का ये है, और 12th तक का लेवल लेना है। वैसे कहा गया है 10th तक का ही लेवल लेना है, क्लास 10th तक का ही लेवल लेना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 12th तक का लेके जाओ, क्योंकि बीपीएससी है ना, बीपीएससी बिहार और यूपी एक ऐसे स्टेट है जो कहते हैं ना जीएस के फॉर्म में, वो करते नहीं है। कहीं आप इनकी नोटिफिकेशन पर ट्रस्ट करके चले जाओ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको और ये सब सब्जेक्ट जो एसएसटी के फॉर्म में आते हैं, इन्हीं में से होगा, ठीक है। इसमें चॉइस के लिए भी आते हैं, आगे जैसे नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है भाई। भाई लास्ट बार फिर से कहूँगा भाई कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको मीनिंगफुल लगता हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।